तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज छोटे में हम लोग खेलने वाले हैं हिटमैन 2 साइलेंट असैसिन। तो अब तुम लोग बोले हो कि ये जो है हिटमैन का रियल गेम से नहीं लगता, तो तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि हिटमैन 2 के दो गेम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हिटमैन 2 साइलेंट असैसिन, वो थोड़ा सा पुराना गेम है, और हिटमैन 2 है वो थोड़ा नया गेम है, उसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। तो आज हम हिटमैन 2 साइलेंट असैसिन खेलने वाले हैं, ये बहुत अच्छा गेम है। तो फटाफट से इस गेम को चालू करते भाई, और मैं नॉर्मली प्लेयर हूँ, इतना कुछ प्रो बंदा है नहीं हम लोग, तो ये सब जो अभी दिखेंगे फटाफट से स्किप कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे यहाँ पे गेम चालू हो गया, और मैंने गेम थोड़ा सा खेला है, मतलब थोड़ा सा खेला है, मुझे खेलना ही पड़ा, मतलब कंट्रोल से पता चलने के लिए। तो ठीक है, हाँ ओके ओके, इसकी बातें मैंने बहुत सुन ली। अभी ये 10 साल लगेगा ऊपर जाने को। पंछी उड़ जाओ, उड़ जाओ पंछी, इधर आने की ज़रूरत नहीं तुम लोग को, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। दिन भर इधर बैठते दाना चुगते रहते हैं। कितना टाइम लगेगा अंकल, वैसे अंकल नहीं हमारे पापा है इस गेम में, देख मैं इधर। हेलो हेलो, अरे पंछी सुन, अच्छा हाँ अभी तक इसकी जो मेन स्टोरी है अभी तक बाकी है। फटाफट से रे भाई, ये बिना, चलो मैं तो आगे चलता हूँ फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके, इसके यहाँ से हमारा मिशन शुरू होता है। हमारा मिशन शुरू होता है ना, वो मतलब जो हमारे पापा, जब हमारे पापा किडनैप होगा तब हमारा मिशन शुरू होगा। ओके ये आ गया भाई, ध्यान भी नहीं दे रहा मेरी तरफ, सामने से जा रहा हूँ भाई इसके, नहीं ऐसे सामने से जा रहा हूँ इसके, मैं ध्यान तक नहीं दे रहा मुझे भाई, ऐसा कौन करता है। तो चलो भाई अंदर चलो, पप्पा अंदर आ जाओ, पप्पा जल्दी अंदर आओ, मम्मी कहाँ पे गई, अंदर पप्पा कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरा। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ पे जाना है हम लोग को, और इसके अंदर घुसने, क्या पता इसके अंदर क्या करना है। ओके तो कब होगा वो, पाद्रे ओके हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सब सुन के रखा है। Benvenuti, तो अब ये जो है हमारे डैड को, जो मतलब अभी स्किप कर दिया मैंने वो सब, तो मेन हमारे डैड को किडनैप करके या फिर मार के कुछ तो भी लेके जाते हैं, ठीक से नहीं पता मुझे, पर मार के या फिर किडनैप करके लेके जाते हैं वो डैड को। तो शायद तो एंडिंग वाला कुछ तो ऐसे मिशन हो कि हमें डैड को अपने बचाना है। तो अब फटाफट से हम लोग को जाना है हमारे कपड़े, मतलब कपड़े पहनने, और आज का एक मिशन कंप्लीट करेंगे फटाफट से। चलो ओके, तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे अब कुछ तो होने वाला है। एजेंसी दिस इज 47, ओके ओके ओके, पैच मी थ्रू टू डायना, है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अब यहाँ से जो है हमारा मिशन बिगिन होने वाला है, सो लेट्स जस्ट रन थ्रू द बेसिक रूटीन्स टुगेदर, एजेंसी जस्ट वांट्स टू मेक श्योर यू आर नॉट टू रस्टी बिफोर योर फर्स्ट मिशन। ओके ओके, अबे मुझे कंट्रोल्स पता है सब। ओके तो ये हमारे पास गन्स वंस भी है ज़रा। ओके अब गेम हमारे कंटिन्यू होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में जो है अपनी, मेरे पास है 9mm पिस्टल है, उसमें साइलेंसर लगा है इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ पे फायर वायर है, नहीं फाइबर वायर है। ओके ये दो गन्स अच्छी है, और ये है एनसद। तो मुझे मिशन पता है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंसर वाली गन निकालनी है, और यहाँ से एक बंदा आएगा उसको ठोक डालना है हम लोग को। तो जल्दी आ भाई, ये रहा ओके okay, इसको मार दिया। अब इसके कपड़े लेने हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके कपड़े अभी नहीं लेने चाहिए थे, पर कोई टेंशन नहीं है, इसके कपड़े लेने हैं। फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रखना है हम लोग को, ओके okay, अपने हाथ में कुछ नहीं है। फिर ये फ्लावर उठाना है हम लोग को, और ना मैं इसको लेके जाता हूँ, किसी ने भी अगर यहाँ पे इसको देख लिया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। चल रहे चल भाई चलो। ओके तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अब वहाँ पे अभी देखो, पहले तो अगर मैं भागा तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली, और ऐसा सीन है कि सामने जो गार्ड्स खड़े हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास गन्स है, वो अंदर जाने से पहले मेरी चेकिंग करेंगे, और मेरे पास अगर गन्स निकले तो बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास साइलेंसर वाली गन है, इससे मैं उन गार्ड्स को ठोक डालता हूँ। वहाँ पे गार्ड खड़ा है, ओके एक को मारा पर वो अंदर भाग गया है। ओके एक मर चुका है वहाँ पे, और वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मुझे बहुत गंदी फाइट होने वाली यहाँ पे। यहाँ पे चलो ओके इसको मारा,
इसकी गन के थोड़े से एमो उठा लेता है वो, और ये वाला कुछ उठा लेता थोड़ा सा, इसकी ड्रेस उठा लेता, मतलब टेंशन नहीं रहेगी हम लोग को। और ये वाली मैं गन अपने हाथ में रख लेता हूँ, और मुझे लिटरली ना इस फ्लावर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये वाली गन अपने हाथ में रख, क्योंकि ये दो दो गन से ना आगे वाला बंदा सिर्फ टपक जाएगा। तो मुझे अभी छुट्टी पर जाना पड़ेगा, किसी को मेरे ऊपर शक नहीं हो रहा है, किसी को हो गया ना शक भाई, अभी तो हो रहा। मैं अपनी साइलेंस, ओ मिल गया, आ गए बंदे, आ गए बंदे, आ गए बंदे, आ गए। चलो आ जा यहाँ पे, मैं प्रसाद बांट रहा हूँ तुम लोग के लिए, आ जा दमे तो भिड़ो मुझसे। ये मरा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वो जो है शॉटगन चाहिए। मैं मैप चेक करता हूँ, कोई क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, लोग पागल हो गए कि मुझे किसको शूट करना पड़ेगा पहले। कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, या इस बंदे को शूट करना है, और फिर इस बंदे को शूट करना है, फिर अंदर मेन बॉस को शूट करना है हम लोग को। ठीक है ओके चलेगा। वो रहा, ओके अब तो उन लोगों ने देख लिया होगा मुझे, पीछे से बंदे आ रहे हैं मेरे, यहाँ से बंदे आ रहे हैं, तो मुझे पीछे रेडी रहना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी गन निकाल लूँ, ये वाली, ओके मेरी गन रेडी है, आ जा। ओके 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 गन करवा रहा है, ओके तो मेरे पास दो बंदे भाग के आ रहे हैं, मैंने इन दोनों बंदों को अभी अभी मारा था। आ गया आ गया, आ जा मुझे कुछ, इसको मारा, और कोई आ रहा है कि? दो पागल बंदे उधर ही खड़े हैं अभी तक। मैं ज़रा रीलोड कर लूँ अपने गन को, मेरे पास कोई गन्स नहीं है अभी के लिए। ओके तो उन लोगों ने मुझे देख लिया, अभी मुझे फटाफट से अपनी जो है ये वाली गन निकालनी पड़ेगी, और उन लोगों को मुझ पर पूरा शक हो चुका है। एक बंदा पीछे जा रहा है, नहीं वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, अब मुझे इनको ये वाली गन से मारना पड़ेगा, इसमें गोलियाँ बहुत है। वो रहा वो रहा वो रहा, निकल आ, रुक जा मैं अपनी ज़रा दूसरी गन निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली गन वेस्ट नहीं करनी, बहुत अच्छी गन है। ये मारा ये मारा ये मारा, ओके बैठ गई उसको, ओके वो तो मर गया, उसका एक साथी वहाँ पे खड़ा है, वो आगे आ रहा है, ओके वो भी वहाँ पे आ गया, ओके उसके दोनों साथी मर गए, और वहाँ पे अभी कोई खड़ा नहीं है शायद से एक बंदे के खिलाफ। पर अब यहाँ पे जो गन्स है वो मैं फटाफट से उठा लेता हूँ, इन लोगों के पास तो इतनी ज़्यादा गन्स नहीं थे, पर मुझे गन्स चाहिए अभी। मैंने अपने हाथ में एक गन रखी है, कोई बंदा है तो उसे ठोक दूंगा। ओके ये वाली गन कुछ नहीं उठा सकता, मैं इस गन को ज़रा रीलोड कर लूँ एक बार। मुझे ना शॉर्ट गन चाहिए थी, शॉर्ट गन किसी ना किसी के पास तो होगी, एक ना एक शॉर्ट गन होगी। ओके ये रही शॉर्ट गन, मुझे मिल चुकी है, तो मैंने शॉर्ट गन अपने हाथ में उठा लिया, और मैं अभी ये वाली गन अपने हाथ में उठा, क्योंकि अंदर एक बंदा सीधा खड़ा है मेरे, मुझे पता है, तो ये लिया, इसको मारा। यहाँ पे किसी को पता नहीं मैंने इसको मारा है, तो यहाँ पे इसकी जो गन है उठा लेता हूँ मैं। कोई आया, ओके तो मैं फटाफट से आगे चलता हूँ, तो हमें मेन इस बॉस को मारना है। तो फिलहाल तो मेरे साइड में एक बंदा घूम रहा है, मतलब साइड के किचन में एक बंदा घूम रहा है। ओके ओके मुझे फटाफट से किचन में जाने से पहले मुझे मेन बॉस के पास जाना है, और बॉस के पास जाने के लिए मुझे मेरे साइड वाले रूम से जाना पड़ेगा। ओके मुझे थोड़ी बहुत एमओ मिल चुकी है, तो मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे साइड में कौन है? तो यहाँ पे ऊपर जाना है हम लोग को शांति से, ऊपर वैसे कोई होगा तो नहीं मुझे इतना ओके इसको मार दिया, शक नहीं होना चाहिए, और इसका जो नाइफ है ना वो मैं उठा लेता हूँ। अब मुझे इसकी नाइफ की जरूरत पड़ सकती है, और अब मैं ये वाली गन उठाने वाला हूँ। अब ऊपर मुझे फटाफट से ऊपर जाना पड़ेगा, अब इसके पीछे एक बंदा खड़ा है जितना मुझे पता है, और ये रहा, और मुझे इस मेन बॉस को मारना है, इससे चाबी वाबी लेनी है,
फिर हमारा मिशन एंड हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगा अब तुम लोगों का। ये तो बड़ा बड़ा था, इसको मार दिया। इसको मार दिया, मेन बॉस रह गया सिर्फ एक। क्योंकि मैंने मेन बॉस को भी एकदम चालाकी से मार दिया। अभी ये बंदर है कैसे बात है, चल निकल तेरी ऐसी की तैसी। या फिर कोई मुझे कुछ नहीं कहने वाला है। काहे कि किधर किधर से आ रहे हो तुम लोग, तुम लोग पता नहीं यहाँ पे बंदा खड़ा है। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत तगड़े बंदों को मारा है अभी अभी। और मुझे अभी जो मेन चीज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से की लेनी है इसके पास। ओके, देखो इस रूम की मिल गई। मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, वो कहाँ पे मिलेगी मुझे? ओके, तो अभी बेसमेंट पे जाना है। बेसमेंट है किचन के यहाँ से, और किचन मेरे यहाँ से बहुत ही पास है। तो अभी मैं चलता हूँ और तुम लोग से मिलता हूँ। ओके, तो मुझे किचन का रास्ता मिलने ही वाला है यहाँ से आसपास की। तो भी किचन है, फिर मुझे इससे कार की चाबी मिलने वाली है। अब तो मैंने इसको पूरी तरह से मार दिया, और इसकी गन जो है नीचे गिर चुकी है पूरी पानी में। इसके पास वैसे बहुत ही अच्छी गन है, लेकिन इनका नाम मुझे ठीक से नहीं पता, पर बहुत अच्छी है। तो मैंने अपने हाथ में पिस्तल रखी है, और इससे मुझे मिल गई कार की चाबी। और मेरी शॉर्ट गन फिर से उठा लो एक बार मैं। ओके, तो बाहर जाना है हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर जाऊँ, इधर क्या है मुझे पता नहीं। मुझे किचन में जाना है। ओके, तो मैं किचन में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे बेसमेंट पे नीचे जाना है, फटाफट से मैं चलता हूँ। और फिर मुझे जो है ये वाला डोर बंद था, तो मुझे खोलना है। यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, पता नहीं। बेसमेंट, दे मस्ट हैव मूव्ड हिम। 47, दिस इज डायना फ्रॉम एजेंसी। ये एस्केप करना है, कुछ नहीं करना हम लोग को, सीधा एस्केप करना है। फुटेज सजेस्ट्स अ बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। एक बार देख लेता हूं, बियर्डेड रशियन लुकिंग टाइप्स इन यूनिफॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ। मुझे सिर्फ अब जो चीज करनी है वो है यहाँ पे इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठना और निकलना है मुझे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, मुझे यहाँ से सिर्फ अभी निकलना है। तो मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर रुक जाओ ऐसे नहीं बोलेंगे, फटाफट से इसको जो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ अब। और हाँ, तो ये हमारा कुछ गन्स का जो है कुछ ऐसा रहता है, तो अगला मिशन यहीं से होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो फट मैं चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करो, इस पर कमेंट करो, इस वीडियो को दूसरे को बांटो यानी शेयर करो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।